इंदौर पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, शातिर आरोपी महज 8वीं पास है, लेकिन इसे 5 भाषाओं का अच्छा ज्ञान है और इसने क्रेडिट कार्ड का अधिकारी बनकर एक शख्स के खाते से 2 लाख रुपए उड़ा दिए। फरियादी की शिकायत के बाद साइबर सेल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर साइबर सेल को पीड़ित राजेंद्र डेनवाल ने ठगी की एक शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था, तभी उसके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया और पीड़ित को एक लिंक भेजकर उससे ओटीपी ले लिया और अलग अलग खातों में 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करा लिया। पीड़ित के पास जब ट्रांजेक्शन का मैसेज आया, तब उसे ठगी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेल ने मामले की जांच की तो आरोपी की लोकेशन जामताड़ा में निकली, जिसके बाद टीम उसे गिरफ्तार कर इंदौर लाई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अतुल राणा बताया है। आरोपी महज 8वीं पास है और 5 भाषा न केवल उसे समझ आती हैं, बल्कि वो बोल भी सकता है। आरोपी गांव का रहने वाला है और बेंगलोर में जाकर अपने साथियों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता है। ये फरियादी है राजेंद्र बेंडवाल। इन्होंने साइबर ऑफिस में एक रिपोर्ट की थी कि उन्हें ICICI क्रेडिट कार्ड में कुछ परेशानी आ रही है, तो ICICI बैंक के ही अधिकारी बताकर एक फ्रॉडस्टर द्वारा इनसे संपर्क किया गया और इनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजकर समस्या के निराकरण के लिए OTP प्राप्त कर लिए गए और उस OTP का दुरुपयोग करते हुए 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन अलग अलग खातों में करा लिया गया। इसमें अपराध क्रमांक 158/21 यहाँ पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी जो है वो अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि अर्जुन राणा निवासी जामताड़ा का है। इसके गिरफ्तारी के लिए टीम वहाँ गई थी जामताड़ा स्थित उसके गांव गोवा कोला में। इसे रात में ही घेराबंदी करके पकड़ा और जो भागने को बहुत काफ़ी अग्रसर हो गया था, क्योंकि बाहर का संथाल कम्युनिटी का बंदा है। इसमें विशेष बात यह है कि मात्र 8वीं तक शिक्षित है आरोपी और 5 भाषाओं का जानकार है अच्छी तरह से, और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी बेंगलोर में जा करके रह करके अपने अन्य साथियों के साथ साइबर फ्रॉड करने का अभ्यस्त है और अन्य प्रकरणों में भी इस पर संदेह है। इस प्रकरण में इसके विरुद्ध संलिप्तता सिद्ध होने पर इसे घेराबंदी करके पकड़ा और गिरफ्तार किया है और इसे न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके विरुद्ध अभी पुराने अपराध संज्ञान में नहीं आए हैं, मगर इसकी जिस तरह से सक्रियता है उससे ऐसा लगता है कि ये पुराने अपराधों में भी संलिप्तता इसकी होगी। फिलहाल अभी आरोपी से पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि ठगी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होगा।